सोने का मुकुट पहनकर आनंद मोहन ने ऐलान कर दिया है कि छेड़ोगे तो छोड़ूंगा नहीं। पूर्व सांसद आनंद मोहन रिहाई के बाद से आक्रामक दिख रहे और वो अपने विरोधियों को लगातार निशाने पर ले रहे। मोतिहारी में उन्होंने कहा कि मैं किसी को छेड़ता नहीं, लड़ता नहीं, लेकिन कोई छेड़ दे तो मैं फिर छोड़ता भी नहीं। किसी का नाम लिए बगैर उन्होंने विरोधियों पर तंज कसते हुए कहा कि मैं कुत्तों की नसबंदी के लिए निकला हूँ, 14 सुई तो लेनी होगी। पूर्व सांसद ने 23 नवंबर को पटना में भव्य रैली करने का भी ऐलान कर दिया है और कहा कि वह पूरे बिहार में घूमकर लोगों को न्योता दे रहे। आनंद मोहन ने मंच से बिना किसी का नाम लिए कहा कि मुझसे कोई क्या साजिश करेगा, 17 साल की उम्र में ही मैंने साजिश से दोस्ती कर ली थी। जेल से रिहा होने पर सवाल उठाने वालों को भी उन्होंने मंच से खरी खोटी सुनाई। विरोधियों को खुले मंच से चैलेंज देते हुए कहा कि जो डर गया समझो मर गया, उन लोगों ने बहुत गलत नंबर डायल कर दिया है जिसका जवाब 23 नवंबर को रैली में मिलेगा। पटना को पाट नहीं दिया तो मेरा नाम भी आनंद मोहन नहीं है। आनंद मोहन ने बीजेपी को ललकारते हुए कहा कि वो कहते हैं कि हमारे सैकड़ों एमपी हैं, हमारे हजारों विधायक हैं और दुनिया की सबसे बड़ी पार्टी है, लेकिन आप हमारे ठेंगे पर हैं। दुनिया की सबसे बड़ी पार्टी का दावा करने वाली पार्टी के शीर्ष नेता 16 साल से जेल में बंद व्यक्ति से डर जाए, उसे चुल्लू भर पानी में डूब मरना चाहिए। आनंद मोहन ने अपनी रिहाई के बाद उनके समर्थकों के द्वारा आयोजित फ्रेंड्स ऑफ आनंद कार्यक्रम के दौरान कहा कि मैं जिससे भी लड़ता हूं पूरे खुले तौर पर लड़ता हूं। आनंद मोहन ने आगे कहा कि हम जिससे लड़ते हैं ताल ठोककर लड़ते हैं, गले मिलते हैं तो हृदय उड़ेल देते हैं। आपको बता दें कि पूर्व सांसद 23 नवंबर को पटना में भव्य रैली करने वाले हैं और इसमें वो पूरे बिहार के लोगों को न्योता दे रहे हैं।